आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। निजी बस चलाने के विरोध में रोडवेज कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा मांग पूरी न होने पर बुधवार को ईदगाह बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन करेगा। संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि इसके बाद रणनीति तैयार कर आगे भी आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बस चलाने के विरोध में रोडवेज के कर्मचारी और अधिकारी आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। रोडवेज कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी चंद्र हंस का कहना है कि इसके विरोध में गुरुवार को सभी कर्मचारी ईदगाह बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसा ना, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परिवहन निगम के अनुभाग 4 के 4 में प्रसारित जो है दिनांक 16 सितंबर 2020 और 22 सितंबर 2020 के अंतर्गत जो है जो निजी बस संचालन के लिए जो परमिट जारी करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इससे परिवहन निगम के अस्तित्व को खतरा है, जिसमें नहीं उसकी कोई आवश्यकता है वर्तमान में, क्योंकि परिवहन निगम का कर्मचारी अपना बड़ा जी तोड़ मेहनत कर निगम की सेवा कर रहा है। वर्तमान में भी जितने भी राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उस पर 7% के राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं वर्तमान में जिन पर परिवहन निगम की सेवा चल रही है, और 93% पर प्राइवेट ऑपरेटर आज भी बस संचालित कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा जो प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका विरोध कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी चंद्र हंस का कहना है कि शासन के परिवहन अनुभाग 4 से प्रसारित अधिसूचना से परिवहन निगम के कारोबार को समेटकर उसके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में संयुक्त मोर्चा प्रदेश स्तर पर ड्यूटी के साथ 2 घंटे अधिक ड्यूटी कर अपनी आवाज उठा चुका है, फिर भी मांगे नहीं मानी जा रही है। आगरा में ईदगाह बस स्टैंड पर एक विशाल धरना कार्यक्रम किया जाएगा, और ये धरना एक आगरा में ही नहीं कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के तहत पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, क्योंकि यह एक निगम कर्मचारियों की रोटी रोजी पर सीधा हमला है, जिसमें निगम में वर्तमान में लगभग 55,000 जिसमें 800 और हमारे संविदा के साथ ही काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उनको सभी के अस्तित्व पर खतरा है, और जब निगम ही को खतरा की स्थिति पैदा हो रही तो रोटी रोजी की समस्या होगी। एक और सरकार जनता को जो है आप को जो है रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो है निगम को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका पुरजोर पूरे प्रदेश स्तर पर कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा निगम को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और यदि कल 25 तारीख तक भी इसका समाधान नहीं होता है तो 3 दिन के अंदर संयुक्त मोर्चा कोई ना कोई तीव्र आंदोलन की घोषणा करेगा, उसके लिए भी प्रदेश का प्रत्येक निगम कर्मचारी तैयार है। रोडवेज के कर्मचारी अधिकारी काफी समय से विरोध करते चले आ रहे हैं, इसके बावजूद भी उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय मार्गों पर निजी बसें चलने से प्रदेश में 55,000 कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो जाएगा। कर्मचारी बुधवार को ईदगाह बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताएंगे, इसके बाद आगे आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।